कोयला ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। हर्ल एचआर और प्रिंसिपल की वाहन पर गोली बारी का भी पुलिस ने किया खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार, बाइक 2, देसी कट्टा और कारतूस जब्त। व्यापार में दुश्मनी के कारण प्रवीण की गई हत्या। घायल होटल संचालक का भी इलाज के दौरान हो गई मौत। मुख्य आरोपी धीरज सिंह पुलिस पकड़ से है फरार। धनबाद पुलिस ने 14 जून को कोयला ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय हत्याकांड मामले का उद्भेदन कर लिया है। साथ ही हर्ल एचआर और प्रिंसिपल के वाहन पर गोलीबारी की भी पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार की है। इनके पास से बाइक, 2 देसी कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। मामले की जानकारी SSP संजीव कुमार ने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी है। SSP ने बताया कि 14 जून को जोड़ापोखर थाना क्षेत्र चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित कार्यालय के समीप कोयला ट्रांसपोर्टर 2 शूटर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। घटना में होटल संचालक राजकिशोर सिंह को भी गोली लगी थी। मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही थी, जिसमें 6 आरोपी भीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शेख सहबा, अमर कुमार चंद्रवंशी, साकिब इकबाल शामिल है। मुख्य आरोपी धीरज सिंह फरार है। धीरज सिंह से मृतक प्रवीण राय की व्यापार को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही थी, इसी कारण से हत्या किया गया था। हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हैं, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। इसके अलावा भीमसेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह, शेख साहबा, अमर कुमार चंद्रवंशी, साकिल इकबाल, हर्ल एचआर विक्रांत कुमार की क्वार्टर पर 10 जनवरी 2022 को गोलीबारी और सिंदरी के लॉयंस क्लब स्कूल के प्रिंसिपल रमेश शर्मा के FD 9 घर के पास खड़ी कार पर 27 अप्रैल 2022 को गोलीबारी मामले में शामिल हैं। इसमें प्रवीण राय को गोली मारकर हत्या की गई और उस कांड में कुल 6 अभियुक्त पकड़े गए और जो 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं, कुछ गोली और मोबाइल घटना में प्रयोग किए गए, उनको भी जब्त किया गया है। उस घटना में और भी अन्य कई लोग शामिल हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके लिए टीम अलग अलग जगह है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द कर लेंगे। लेकिन उस घटना में कुछ 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें एक कांड में जो नामित अभियुक्त है वो भी है, धर्मेंद्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य 5 अनुसंधान के क्रम में जिन लोगों ने घटना को कारित किया है, अन्य 5 वो हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई। जो अन्य 5 हैं उनका भीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह, शेख सहबाज, अमर कुमार चंद्रवंशी और साकिब इकबाल, ये अन्य 5 लोग उनकी गिरफ्तारी हुई। जब इस कांड में हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और कांड में जब हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि ये जो 5 अन्य थे इनके पास से जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये भी पता चला है कि जो पूर्व में हर में जो गोली चली थी, जिसमें हाल के HR मैनेजर पर गोली चली थी सिंदरी में, और दूसरा एक प्रिंसिपल हाल में जो वहाँ प्रिंसिपल के घर पर गोली चली थी, उन दोनों में भी इन 5ों का हाथ था, जिसमें मुख्यतः जो शेख शहबाज और अमर कुमार चंद्रवंशी है ये, और ये साकिब इकबाल, ये तीनों जो है इन तीनों ने वहाँ जाके गोली चलाई थी, जबकि ये 5ों उस काम में शामिल थे। उसके पहले देखी करना और वहाँ बुलाना ले जाना, बाकी अन्य जो दोनों थे उनसे तो ये हार्म वाला गोली कांड जिसमें HR पे गोली चली थी और प्रिंसिपल पे गोली चली थी, उसका भी उद्भेदन किसी क्रम में हम लोगों ने किया। और प्रवीण राय हत्याकांड जिसमें कि कुल 6 लोग अभियुक्त बने, उसमें जो धर्मेंद्र सिंह है वो हल गोलीकांड में शामिल नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र सिंह से प्रवीण राय हत्याकांड में तो उसकी गिरफ्तारी की। प्रवीण राय वाला बेसिकली प्रवीण राय का जो वैमनस्यता थी वो धीरज सिंह के साथ बहुत दिनों से थी, और संदर्भ में कई बार पूर्व में कांड दर्ज किए गए हैं दोनों के एक दूसरे के बीच में। उसी में
बीच के जो कई कड़ियाँ बीच में ऐसी आई जहाँ पर उन लोगों के बीच में ये जो दुश्मनी है वो बढ़ी थी, और उसी क्रम में इसकी हत्या की। इसमें एक और जैसे इसमें आप रेक्टिफाई करेंगे कि भीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह और धर्मेंद्र, ये तीनों प्रवीण राय में अभियुक्त हैं, बाकी जो ये छः बाकी पांच अभियुक्त जो हैं वो हर्ल और प्रिंसिपल द्वारा। Thank you.